हिसार के हांसी में व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने पीड़ित व्यापारी तरुण गक्कड़ से बातचीत करने के उपरांत कहा कि हांसी अपराधियों का अड्डा बन गया है। चार अपराधियों द्वारा गन की नोक पर व्यापारी से पिस्तौल दिखाकर 10 लाख की फिरौती मांगने के बाद पीड़ित व्यापारी द्वारा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद फिर दोबारा रात को अपराधियों द्वारा पीड़ित व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग करके फरार हो जाना पुलिस प्रशासन की विफलता का जीता जागता सबूत है। लॉकडाउन होने से एक हफ्ता पहले कृष्ण गुज्जर, राजेश गुज्जर, मोनू गुज्जर और भीम यादव, ये चार व्यक्ति हमारे पास आए और हमारे से फिरौती मांगी 10 लाख रुपए की जी। बोले कि मोनू गुज्जर के ऑफिस में 10 लाख रुपए पहुँचा देना, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे और अपना हिसाब देख लेना जी। हमने लॉकडाउन होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद लॉकडाउन खुला, हम अपनी शॉप पे आए, हमारी शॉप पे दोबारा भी आए हैं, लेकिन उस टाइम हमारा जो पहले की हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, लेकिन जब दोबारा आए थे उस समय हमारा थोड़ा कैमरा लॉकडाउन था इस वजह से भी ख़राब हो गया था, तो उस दिन वो कैमरा ख़राब था, हमारी टेबल पर ही थपकियाँ मार मार के मेरे को बताया था ना हम लास्ट बार आ रहे हैं, अब हम दोबारा नहीं आएंगे। और उसके अलावा हमारी गली में से रोज़ चक्कर काटना, अपने साथ लड़के अपने ये चारों, कभी वो दो जा रहे हैं कभी वो दो जा रहे हैं, हमारे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन कोई गली में से जा रहा है हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारे से फेस टू फेस पैसा मांगा गया। और उसके बाद अब दोबारा कल रात को ये हुआ कि हम अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर जा रहे थे, सब्जी मंडी से, पुरानी सब्जी मंडी लाल सड़क से इन्होंने हमारा पीछा किया है, और पीरू हलवाई के पास इन चारों ने हमारे आगे मोटरसाइकिल लगा दी, हमारी स्कूटी के आगे, हमारी स्कूटी के आगे मोटरसाइकिल लगाने के बाद हमें बोलते रहे पंजाबियों तुम्हारे को समझ नहीं आई क्या, तुम्हारे को समझाया था कि 10 लाख रुपए मोनू के ऑफिस में पहुँचा दो। इतनी बात बोलने के बाद कृष्ण गुज्जर ने मेरे सामने पिस्टल लगा दी, मैंने देखा, मैं घबरा गया, मेरा भाई भी घबरा गया, और चारों के पास हथियार थे, ठीक है, लेकिन मैंने चारों के नहीं देखे, उसने मेरे सामने, क्योंकि सामने से मुझे वो दिखा, एकदम से मैं घबरा गया क्योंकि हथियार देख के, और फिर मैं, हमारा घर नज़दीक पड़ता है तो मैं भागकर अपने घर में चला गया। उसके बाद 9:30 बजे के आसपास की ये वारदात है। फिर हमने हिम्मत करके एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन लेकर हम थाने में गए और 11 बजे के आसपास हमने एप्लीकेशन थाने में दे दी है। ये मामला पुलिस की कार्रवाई अभी चल रही है जी, बाकी अभी व्यापार मंडल वगैरह वो बुला रखा है जी, देखते हैं क्या होता है जी। 11 बजे अभी तो 11 बजे आना उन्होंने, 11 बजे की टाइमिंग है। फिरौती मांगी है ये 10 लाख रुपए की, और इन लोगों के ऊपर पहले भी केस है, जो ये कृष्ण गुज्जर है उस पर 45 लाख रुपए का डकैती का केस पहले चल रहा है जी। जो हमें पता चला है, और इनके जो ये और भी जो हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई केस है, किसी का मर्डर का केस है, किसी का क्या है क्या नहीं इतना मेरे को नहीं पता, लेकिन उसकी मैंने पहले न्यूज़ में भी देखा हुआ है तब हमारे को पता है उसके बारे में। बस ये है, कोई झगड़ा नहीं है किसी भी, कोई दुकान का कोई लेन देन किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई कहा सुनी नहीं है। हमारा कॉस्मेटिक का काम है, मचमोर के नाम से हमारी शॉप है। हांसी में अपराधियों द्वारा हमारे व्यापारी तरुण गक्खड़ के यहाँ 10 लाख की फिरौती मांगने और अपराधियों के खिलाफ पीड़ित व्यापारी द्वारा पर्चा दर्ज करने के बाद भी फिर रात को दोबारा फायरिंग उसके घर पे करने के कारण प्रदेश के व्यापारी व आम जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। मेरी हरियाणा सरकार से और पुलिस प्रशासन से मांग है, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर जल्द अपराधी नहीं पकड़े गए तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरेगा और पूरा जोरदार आंदोलन हांसी के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर करेगा। आज करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वाला व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हांसी ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह व्यापारियों के साथ लूटपाट, फिरौती, हत्या, चोरियों की वारदात हो रही है और पुलिस प्रशासन आंख मूंद कर ये सब तमाशा देख रहा है। सरकार को चाहिए अपराधियों को पकड़कर जेलों में डाले और व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार को पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग है। पहले लॉकडाउन से पहले दुकान फिरौती मांगने के लिए आए, चौकीन साहब का हमने निवासी है, अभी इलाके में गए, मैं सतवीर सब इंस्पेक्टर चौकी के अंदर पोस्टेड हूँ, तो एक दरखास्त पेश करी थी तरुण को करने के लिए 2 महीने पहले,
हमारी दुकान पर लॉकडाउन से पहले दुकान पर फिरौती मांगने आए थे, उसमें जो वे बाज़ार बंद होने की वजह से हमने दरख्वास्त नहीं दी। आज दरख्वास्त शाम को देते, आज रात को दरख्वास्त दी इन्होंने। अब ये चार लड़के हैं, कृष्ण गुज्जर ढाणी चंद्रपुर, राजेश गुज्जर लाल सड़क पे, मोहन गुज्जर और भीम यादव भीम फार्म, ये चारों लड़के फिरौती मांगने के लिए आए थे। इन्हें खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पिस्तौल दिखा करके पिस्तौल दिखाया था हमारे को और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए। भैया पहले मांगी तो पहले थी, लेकिन आप को कह दो 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जान तो मारो।